हांसी में कुन्नापुर रोड पर विकसित ग्रीन सिटी सेक्टर 2 में बनाए गए शहीद मदनलाल ढींगरा स्मृति पार्क में स्थापित शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा का गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण से पूर्व ग्रीन सिटी सेक्टर 2 में हवन यज्ञ किया गया और अनावरण के उपरांत गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया। शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा का अनावरण करने के उपरांत ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा, शहीद मदनलाल ढींगरा एक संकल्पित और समर्पित स्वतंत्रता सेनानी थे और भागवत गीता के अनन्य भक्त थे और फांसी के फंदे पर भी भागवत गीता उनके हाथ में थी और ऐसे राष्ट्र के लिए संकल्पित और भागवत गीता के प्रति संकल्पित योद्धा की यहाँ प्रतिमा का स्थापन निश्चय ही देश युवाओं में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जागृत करेगी। शहीद मदनलाल ढींगरा हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक समर्पित और संकल्पित स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहे। भगवद गीता के भी अनन्य भक्त थे और स्वतंत्रता संग्राम में कुछ ऐसे नाम जिनके हाथ में उस समय भी भगवद गीता थी जब फांसी के फंदे थे। मदनलाल ढींगरा जी फांसी के फंदे पे भी गीता हाथ में लेके खड़े थे और वो कहते थे कि मेरा जो मनोबल है जिस कारण से मैं स्वतंत्रता संग्राम में मुझे प्राणोत्सर्ग से भी कोई भय नहीं लगा उसका मूल में भगवद गीता है। तो वास्तव में मदनलाल ढींगरा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी एक ऐसे शहीद जो आने वाली पीढ़ियों के लिए और विशेष रूप से युवाओं के लिए राष्ट्र के प्रति संकल्पित निष्ठा गीता के प्रति संकल्पित निष्ठा के लिए एक अद्भुत अनूठी प्रेरणा है मदनलाल ढींगरा और उनके नाम से यहाँ इस नवनिर्मित होने जा रहे इस क्षेत्र में ग्रीन सिटी में मदनलाल ढींगरा जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ उनके नाम से यहाँ पार्क रखा गया। एक सवाल वहीं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और विधायक विनोद भ्याना ने कहा कि मदनलाल ढींगरा जैसे स्वतंत्रता सेनानी की वजह से हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं और भारत एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि मदनलाल ढींगरा ने छोटी सी उम्र में अंग्रेजों द्वारा देश की जनता पर किए जा रहे अत्याचार का विरोध करते हुए अपने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। आज हांसी के अंदर एक बहुत बड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक स्कीम चलाई है, उसी बीच में यहाँ एक उन्होंने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की गाइडलाइन से यहाँ पर एक कॉलोनी काटी जा रही है ग्रीन सिटी के नाम से और इसी बीच में शहीद मदनलाल जी ढींगरा जिनकी वजह से आज हम खड़े हैं, जिनकी खुली सांस में हम ले रहे हैं, उनकी आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। योगदान उनकी वजह से आज पूरा भारत एक ताकतवर बना हुआ है, आज पूरा भारत पूरे संसार में उनका नाम है। इसलिए ऐसे महापुरुषों को हम भुला नहीं सकते, उनका याद करना हमारा फर्ज है। इसलिए आज हम शहीद मदनलाल ढींगरा के चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन में जो हमें प्रेरणा मिली है भारत और आगे बढ़ेगा ऐसी हमारी आशा है। जैसा कि परम पूजनीय गुरु जी महाराज ने सारा बताया कि किस तरह से उन्होंने शहादत दी देश के लिए, तो ये हम सब का फर्ज बनता है कि हम समय समय पर उनको याद करें। तो मैं सभी जो हमारे साथी हैं हमारे भाई हैं जिन्होंने इस कॉलोनी का काटने का काम किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उस महान सपूत भारत माता के महान सपूत को यहाँ याद किया और उनके नाम से यहाँ पार्क बनवाया। और ये सब हम सब का दायित्व बनता है कैसे ऐसे शहीदों को हम याद करें ताकि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें और भारत और मजबूत हो। धन्यवाद। इस अवसर पर हैफेड के डायरेक्टर नरेंद्र भ्याना, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव, साहिल भ्याना, अशोक कनौजिया, सर्व व्यापार मंडल हांसी के प्रधान बजरंग बंसल, प्रसिद्ध उद्योगपति हनुमान सिंगला, अशोक कनौजिया सहित काफी संख्या में शहर के गणमान्य उपस्थित थे।